नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा कहा जाता है कि साहिब लुधियानवी जब 18 साल के थे और लुधियाना के एक कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्हें अपने कॉलेज की एक सुंदर सी सहपाठी महिंदर चौधरी से प्रेम हो गया था और कुछ समय बाद उस लड़की की टीबी से डेथ हो गई थी। यानी उस समय टीबी लाइलाज बीमारी हुआ करती थी, तो उनकी वो प्रेमिका जो है वो टीबी का शिकार होकर चल बसी। साहिब लुधियानवी उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहते थे, परंतु मजहब की दीवार कुछ पाबंदियों की वजह से वो जा ना सके। उन्होंने अपने दोस्तों से इसरार किया कि कोई उसकी एक तस्वीर उनको लाकर दे दे, तो वो उसे ताउम्र अपने सीने से लगा कर रखेंगे, परंतु ये हो न सका। और कहते हैं कि उन्होंने फिर ये नज़्म लिखी जो तलखियाँ नामक उनकी किताब में पब्लिश हुई थी। बाद में इसको फिल्म कभी कभी, जो कि 1976 में रिलीज हुई, उसमें इस्तेमाल किया गया। इसका संगीत खय्याम साहब का है और राग पहाड़ी पर आधारित यह गीत जो है लता मंगेशकर और मुकेश जी ने गाया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं, ये गेसुओं की घनी छांव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल के जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं,
सिमट रही है तो शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे